हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हमने हमने बहुत सारे अलग अलग लेक्चर देख चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट देख चुके हैं, फिजिक्स देख चुके हैं, केमिस्ट्री भी के भी कुछ पार्ट्स देख चुके हैं। आज हम लोग फिजिक्स का एक अलग पार्ट यूज कर देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे कि हम लोग को और क्या क्या देखना है। ठीक है, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है। अब हीलियम का नाभिक नाभिक कहाँ से आया, नाभिक कहाँ से आया, मतलब देखो जैसे हम लोग दीवार बना रहे हैं ना, दीवार बना रहे हैं तो वो क्या किससे मिलके बना है, ईंट से मिलके बना है। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है, बहुत सारी कोशिकाएं मिली तब जाके हमारा एक टिश्यू बना। ठीक है, टिश्यू बना, बहुत सारी हमारी सेल से मिलके क्या बना, टिश्यू। टिश्यू बहुत सारे टिश्यू से मिलके क्या बना, ऑर्गन बना। ऑर्गन से मिलके बना हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे हमें जितने भी तरह के तत्व नजर आते हैं ना, सभी किससे मिलके बने हैं, परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एटम। तो सबसे छोटी इकाई किसी भी वस्तु की जो हो सकती है वो क्या है, हमारी परमाणु। तो परमाणु कैसे होता है, परमाणु ये बीच में एक ऐसा पार्ट होता है, ये देखो बीच में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर में रहेंगे और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं, बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहता है, प्रोटॉन जो रहता है पॉजिटिव चार्ज वाला रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज वाला रहता है। तो हम लोग को देखना है हीलियम के नाभिक में होता है क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। पहली बात तो ये चीज क्लियर है कि उसके नाभिक में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर संख्या भी दे दिया है, तो एक प्रोटॉन रहेगा क्या, दो प्रोटॉन रहेगा क्या, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, या एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ये सिचुएशन दे दिया है। अब देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग देखते हैं जितने जो हमारा हीलियम है ना, हीलियम का परमाणु क्रमांक है दो। ठीक है, आवर्त सारणी, ठीक है, पेरियोडिक टेबल जो होता है ना उसमें हम लोग देखते हैं, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, दो। अब जितना परमाणु क्रमांक रहता है ना उतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या फिर ये कहा जाए जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना किसी परमाणु में, वो उसका परमाणु संख्या डिसाइड करता है। तो यहाँ पर कितना है, दो है, इसका मतलब हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, जितना हमारे परमाणु, जब हम लोग परमाणु की बात करते हैं ना, आयन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, देखेंगे क्या चेंज हो जाता है। अगर हीलियम में देखते हैं ना, हीलियम क्या है, एक परमाणु है, इस परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर में अगर दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ना अंदर में दो प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना निगेटिव पार्ट है ना हमारे पास, जितना निगेटिव है उतना हम लोग के पास पॉजिटिव रहेगा, तब जाके वो क्या रहेगा, बैलेंस की अवस्था में रहेगा। और जो न्यूट्रॉन होता है वो तो उसमें चार्ज ही नहीं रहता। तो हमारे पास, हम लोग को सबसे पहले क्या पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी उतनी प्रोटॉनों की संख्या रहेगी। तो हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। अब हम लोग आते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो वैसे हमारे पास दो तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं कि हम लोग निकालें कि इसमें वेट कितना रहता है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन में कोई वेट ही नहीं रहता, वेटलेस रहता है या फिर एकदम नगण्य रहता है, उसमें वेट रहता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन में वेट ही नहीं रहता, वेट तो रहता है बट उसमें बहुत ही ज्यादा कम रहता है, इसलिए उसको मतलब हम लोग नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो अगर हम लोग को किसी भी परमाणु का, अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉनों का जितना संख्या है ना, प्रोटॉनों का संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पे निकालते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ देते हैं, उन लोग का वेट को जोड़ देते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल एटॉमिक वेट निकल आता है। क्योंकि सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ रहता है, बीच में रहता है। ये कौन बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, ठीक है, कि इस बात को कौन बताया कि बीच में ही रहता है सारा का सारा द्रव्यमान। तो अगर हम लोग देखते हैं प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, दो। टोटल मास कितना होता है, हम लोग को पता है मास कितना है, टोटल चार है। ठीक है, इसका 4 AMU होता है ना, AMU, और AMU किसका यूनिट है, इसके मास का यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एटॉमिक मास कितना है, चार है। प्रोटॉनों की संख्या दो हो गई, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये टू को इधर ट्रांसफर कर देते, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल गई हमारे पास, 4 - 2 मतलब 2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या टोटल कितनी है, दो, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, टोटल दो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये देखो,
तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। देखो प्रोटॉनों की संख्या समान है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास परमाणु होते हैं जिनमें जो प्रोटॉनों की संख्या ना वो समान है, बट जो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो हमारे पास ना चार ऑप्शन दिए हैं, हम चारों को समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास कोई ऐसा, मतलब हमारे पास एलिमेंट्स, मतलब हम लोग दो तीन एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। अच्छा पहली बात तो एलिमेंट मतलब वो हमारे पास वो पदार्थ होता है जिसमें एक ही प्रकार के जो मतलब तत्व जो रहेंगे ना, वो एक मतलब एटम्स जो रहेंगे एक ही प्रकार के रहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट, और अगर एलिमेंट्स को मिला दें, मतलब दो या दो से अधिक टाइप के एलिमेंट्स को अगर मिलाने से हमारे पास अगर कोई पदार्थ मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड या फिर यौगिक। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखो हमारे पास अलग अलग टाइप के, हमारे पास दो तीन अलग अलग हमारे पास अलग अलग तत्व हैं। अब ये अलग अलग तत्व हैं, तत्व अलग अलग हैं, तो सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग तत्व तो इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होने चाहिए, भार भी अलग अलग होने चाहिए। बट होता क्या है, और देखो जहां पर जैसे अगर अलग अलग हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अलग अलग है तो सबका जगह भी अलग अलग होगा। बट अगर, और क्योंकि उसमें जो पेरियोडिक टेबल है हमारा, उसमें क्या है, जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी उसी के हिसाब से मतलब डिसाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पर ये रहेगा, वहां पर वो रहेगा, ये चीज हम लोग उससे डिसाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास ये तीन एटम है, मतलब हमारे पास तीन अलग अलग एलिमेंट है। इन तीनों एलिमेंट में क्या हो रहा है, किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है, किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो है, किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीन है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई ना। अगर हम लोग मान लेते हैं कोई ऐसा एलिमेंट, ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें तीनों में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही हो, बाकी द्रव्यमान चाहे कुछ भी हो, हम लोग को नहीं मतलब, ठीक है, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो सब तीनों में बराबर रहनी चाहिए। अब देखो तो ऐसे ऐसे एटम को क्या कहते हैं हम लोग, मतलब ऐसे जो हमारे पास पेयर मिलेंगे ना, ऐसे ऐसा सेट क्या कहलाएगा, आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सम स्थानिक, मतलब एक ही स्थान पे रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीन हमारे पास मतलब हाइड्रोजन के ही तीन समस्थानिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के तीन अलग अलग समस्थानिक। तो एक एक में क्या बोलते हैं, मतलब तीनों में ही एक चीज तो कॉमन रहेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों में ही सेम रहेगी, भले उनका वेट कुछ भी रहे, वेट अलग अलग रहता है, तीनों का ही वेट अलग अलग रहता है ना, क्लियरली बता दूं, वेट अलग अलग रहेगा बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहेगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी रहती है उतनी प्रोटॉनों की संख्या भी रहती है। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रोटॉनों में, मतलब देखो समस्थानिक का एक चीज और क्या समझ आता है कि जितनी संख्या प्रोटॉनों की रहेगी ना उतनी ही संख्या क्या रहे, मतलब सभी में अगर सेम प्रोटॉन है तो वो भी क्या कहलाएगा, समस्थानिक ही कहलाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोटॉपिक। अब अगर किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या मान लो अगर चेंज हो जाती है ना, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या सब अलग अलग है, बस जो सेम टू सेम है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। अगर कोई ऐसा मतलब ऐसा हमारे पास सेट मिल जाता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहे कुछ भी रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, उसको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। एकदम सीधी सीधी बात है, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, मतलब ऐसा सेट जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, सम प्रोटॉनिक। अच्छा सम प्रोटॉनिक को ही क्या बोलते हैं हम लोग, समस्थानिक। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें भार सेम है तो वो समभारिक हो गया, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है वो सम न्यूट्रॉनिक हो गया। तो समदाविक क्या होता है, आइसोबारिक, मतलब जिसमें जो एटम्स है ना, मतलब जब हाँ जो हमारे पास अलग अलग एटम्स हैं वो उन सभी मतलब एटम अलग अलग एटम्स मतलब हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स है तो उन सभी में जो वेट जो रहेगा ना वो सेम है, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोबारिक।
ठीक है। उसके बाद समावयवी क्या होता है? अच्छा देखो, हम लोग सम-न्यूटोनिक भी देख डाले, समदाभिक भी देख डाले, समावयवी क्या होता है? अब देखो, समावयवी मतलब होता है अगर कोई ऐसा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल मैड एंगल्स, मैड एंगल्स खाया हो कभी? नहीं खाया हो, खा के देखना। उसमें क्या रहेगा, तीनों साइड क्या रहता है, बराबर रहता है। देखो ये ऐसे है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो भी तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उसका ना डिजाइन चेंज हो जाता है, मतलब ऐसे ये यौगिकों में होता है, ये यौगिकों में होता है। क्या होता है, अलग अलग हमारे पास दो यौगिक हैं, और उन दोनों यौगिकों में एक चीज क्या दिखता है हम लोग को, कि उसका डिजाइन को बस चेंज कर दिए, बाकी उसमें जितना नाइट्रोजन था उतना नाइट्रोजन, जितना ऑक्सीजन था उतना ऑक्सीजन, जितना हाइड्रोजन था उतना हाइड्रोजन, बट डिजाइन बस चेंज हो गया है। अब डिजाइन चेंज हो जाता है ना, तो उससे रासायनिक जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो बस, लेकिन हम लोग अगर बाहर से देखते हैं ना, तो हम लोग को सिर्फ इतना ही समझ आता है कि उसका डिजाइन चेंज हो गया। तो जब डिजाइन चेंज हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समावयवी, एक दूसरे के समावयवी। आइसो, यहाँ पर ये गलत हो गया है, आइसोट्रॉपिक, ये गलत हो गया ना, ऑप्शन गलत है यहाँ पर। आइसो, इसको आइसोट्रॉपिक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आइसोमर, ठीक है। समावयवी मतलब होता है आइसोमर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, हम लोग का समस्थानिक। अगला हम लोग देखते हैं, जब सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है, तब सोडियम अगर क्लोरीन से अगर क्रिया करता है तो क्या होता है? देखो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, वैसे तो देखते फिर भी क्या होता है। सोडियम, प्रत्येक सोडियम का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेता है क्लोरीन का। देखो होता क्या है, ये है हमारा सोडियम और ये है हमारा क्लोरीन। सोडियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखते हैं तो क्या होता है, 2, 8 और 1। क्लोरीन का देखते हैं तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 8 और 7, ऐसे बनता है इसका। अब यहाँ पर देखो अष्टक नियम होता है, अष्टक नियम, जिसमें ना हम लोग को क्या करना रहता है, हम लोग को ये सेट बनाना रहता है, 2, 8, 18 और 32, इसका सेट बनाना रहता है। कि अगर ये मतलब जो बाहरी कक्ष है ना, बाहर वाला जो शेल है, जैसे ये वाला, ये पहला कक्ष हो गया, दूसरा कक्ष हो गया, तीसरा कक्ष हो गया, सबसे बाहर में कौन है, ये है। तो बाहर में हम लोग को ना कोशिश रहता है कि हम लोग ये इनमें से कोई सा आ जाए, कोई सा स्ट्रक्चर आ जाए, 2, 8, 18 या फिर 32, इनमें से कुछ आ जाए, तो क्या होता है, वो जो एटम रहता है ना, वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 है। देखो यहाँ पर अगर ये 8 हो जाता तो फिर काम कंप्लीट हो जाता, ये 8 हो जाता तो फिर यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता। तो ये क्या करता है, सोडियम जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको और ये ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर इसके बाहर में कितना हो गया, 2 और 8, बाहर में कितना है, 8 है, मतलब ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन के केस में देखते हैं, 2, 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कितना हो जाएगा, 2, 8 और 8, अब बाहर में 8 है, मतलब ये भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, NaCl बन जाता है, ठीक है, हमारा NaCl बन जाता है। अब ये NaCl बन गया सोडियम और क्लोरीन से मिलके, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम लोग देगा वाले में हम लोग लगाएंगे। देखो प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेता है, हाँ देखो ये वाला बात तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। अगला देखते हैं हम लोग, एक आयनिक बंध का निर्माण होता है कब? अच्छा देखो, हम लोग पहले बॉन्डिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास तीन टाइप का बॉन्ड होता है ना, ठीक, वैसे तो होता है दो ही टाइप का, बट हम लोग तीसरा भी ले लेते हैं ना। तो हमारे पास बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड मतलब दो आयनों के बीच अगर कोई बॉन्ड बनता है ना, तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आयन क्या होता है जान लेते हैं इसको भी। अब देखो हमारे पास सोडियम था, अब भी जस्ट देखे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 होता है, और यहाँ पर से ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो दे देता है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर ना इसको मतलब इसको ना एक वो क्या बोलते हैं, ताज पोशी कर देते हैं ना, इसके में ताज लगा देते हैं, ये ताज को पहन लेता है, ठीक है, मतलब ये हम लोग का ये मुकुट धारण कर लेता है, ठीक है, ताजपोशी हो गया इसका। अब ये तो प्लस हो गया, ये पहले परमाणु था, पहले सिर्फ परमाणु था, एटम बस था, अब ये क्या हो गया, ये चार्ज दे दिया ना, तो फिर ये बन गया हमारा आयन।
अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में कितना होता है, 2, 8 और 7, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा ना ताजपोशी उसका भी होगा, लेकिन इसके में माइनस लगेगा। तो ये परमाणु था और ये उसका आयन हो गया। तो अगर आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है, इन दोनों के बीच अगर ये दोनों क्रिया करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड जब बनाएंगे तो इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, यही बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड है। मतलब आयनों के बीच अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड बन गया। तो सोडियम क्लोराइड में पहली बात अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, आयनिक बंध का निर्माण होता है। अच्छा रुको, हम लोग देखते हैं ना, पहले सारा बॉन्ड देख लेते हैं इकट्ठा, यहीं पर देख लेते हैं, आगे के क्वेश्चंस में आने वाले हैं वैसे भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है तो ये बॉन्ड, बट ये एक्चुअली में बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, वैसे बोलते हैं कि बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, बट ये सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल बोलते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब ठीक है, जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण ना ये लोग जुड़े रहते हैं, बॉन्ड एक्चुअल में रहता नहीं है बट हम लोग नाम देते हैं बॉन्ड है करके। ठीक है, तो अब अगला मतलब ये बिल्कुल ना वो वाला बात है ना, जैसे वो निब्बा निब्बी लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, बोलते हैं एक दूसरे को कि आज से मैं आपकी पत्नी, मैं आपका पति, ऐसा बोलते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं बट वैसा होता नहीं है। बिल्कुल वही वाली बात है, बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड है बट बॉन्ड होता नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अगला बॉन्ड हम लोग देखते हैं, आयनिक के बाद एक आता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ये प्रॉपर बॉन्ड है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब ये यहाँ पर क्या हो रहा था, सीधा इलेक्ट्रॉन को दे दिया, जा भाई तू रख ऐसे करके, बट यहाँ पर क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। ठीक है, यहाँ पर पार्टनरशिप होता है, जैसे HBr, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ब्रोमीन में कितना रहता है, ब्रोमीन के बाहर में ना, ब्रोमीन के बाहर में अगर देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच बनेगा बॉन्ड HBr। अब देखो यहाँ पर अगर ये ब्रोमीन अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका काम हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन ये कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को दे दिया तो भी बन जाएगा, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ पर से अगर ये दे दिया ना तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये अपना कुछ भी नहीं बचेगा इसका, ठीक है, पूरा लूट जाएगा ये बेचारा। तो ये देता नहीं है पूरा पूरा, बोलता है कि हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, तो ना ये लोग ना एक एक इलेक्ट्रॉन का ना पार्टनरशिप कर देते हैं, तो इससे ना एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इससे एक बॉन्ड बन गया, तो यही बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, अब ये सिंगल बॉन्ड भी होता है। देखो अगर कहीं कहीं पर जैसे ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन के ऊपर ना, यहाँ पर बना हमारे पास सिंगल बॉन्ड, अगर हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, दो दो बॉन्ड का जरूरत पड़ जाता है, दो दो इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप करने का जरूरत पड़ जाता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन का अगर देखते हैं ना, N2 नाइट्रोजन का देखते हैं, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप करना पड़ता है, तब जाके इसका कंप्लीट होता है दोनों जन का। तो यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल में भी होता है और ट्रिपल में भी होता है, तीनों ही टाइप के हमारे पास अवेलेबल होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगला हम लोग देखते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन को ये दिया था बट यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना था, इससे विद्युत आकर्षण बल था, बट वहां पर क्या होता है, वो सीधा सीधा एक, मतलब एक नहीं, सीधा एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन को सीधा सीधा दे देता है, जा भाई तू रख, तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ऐसे टाइम पे जब सीधा 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया जाए तो वहां पर कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखेंगे सभी को। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या था, आयनिक बंध का निर्माण कब होता है, संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लेता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है, दो धात्विक तत्व क्रिया करते हैं, एक लिया और एक दिया था, सोडियम दिया था और क्लोरीन लिया था, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। अब अगला देखते हैं, धनायन कब बनता है, अब भी बताया मैं, धनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, नहीं, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब खोकर अपने आप को खुद कर भगवान को पाएंगे, ऐसा वाला बात है ना, वही वाला है। अब अगला,
आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम? आयनों से बनता है, देखो जस्ट अब भी देखे हम लोग आयनिक बंध, ठीक है, आयनों के बीच हुआ ना, आयनों के बीच बना तो आयनिक बंध, तो जहां आयनिक बंध बनेगा ना वहां पर अगर यौगिक का नाम पूछा जाए आयनिक बॉन्ड बनेगा, जो दो अगर हमारे पास दो एटम्स है, दो परमाणु है, उनके बीच अगर बॉन्ड बन गया तो फिर ये क्या, देखो यौगिक क्या होता है, अलग अलग टाइप का एटम वो रहना चाहिए, परमाणु रहना चाहिए, इसका परमाणु अलग है, इसका परमाणु अलग है, दोनों अलग अलग है, ये जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। अगर ये यौगिक जो है आयनिक बॉन्ड के कारण बनता है तो उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड के कारण बन रहा है तो उसको बोलेंगे सहसंयोजी यौगिक, अगर उपसहसंयोजक बंध के कारण बनता है तो उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं विद्युत संयोजक बंध बनता है, देखो अब भी देखिए हम लोग विद्युत संयोजक बंध मतलब आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो धनावेशित आयनों के बीच, ऋणावेशित आयनों के बीच, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो हम लोग का जब सोडियम क्लोराइड बना था तो एक पॉजिटिव चार्ज था एक निगेटिव चार्ज था, मतलब अपोजिट थे दोनों दोनों, तो अपोजिट के कारण बना तो फिर तब वो क्या, तब वहां पर बना था विद्युत संयोजी बंध, तो हमारा आंसर कितना होगा, कौन सा आंसर सही होगा, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोजकता में कोवेलेंसी में क्या होता है, कोवेलेंसी में देखो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट, देखो कोवेलेंट बॉन्ड में होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, पहली बात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों का न स्थानांतरण होता है और न साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्षय होता है, क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों का क्षय नहीं होता, न स्थानांतरण न साझेदारी तो बनेगा कैसे, ये भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता, इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप होता है, ध्यान रखें पार्टनरशिप होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगला, जब एक ही तत्व के पर दो परमाणु परस्पर संयोग करते तो उनके बीच बंधन की प्रकृति, परस्पर संयोग कर रहे हैं, ठीक है, कौन पर दो परमाणु परमाणु संयोग कर रहे हैं तो क्या बनेगा, देखो जब दो अलग अलग आयन जुड़ रहे थे तो आयनिक बॉन्ड बन रहा था, जब दो अलग अलग हमारे पास परमाणु जुड़ेंगे एटम जुड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सहसंयोजक बंध, ठीक है, तो कौन सा होगा हमारे पास, सहसंयोजक कोवेलेंट। अगला देखते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड में होता है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है सहसंयोजक, अब ये तो आप लोग बता दो, ठीक है, इतने देर से देख रहे हैं हम लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए जल्दी से, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू।